हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज तो इतने दिन के बाद 8-10 दिन से बहुत गर्मी पड़ रही थी और आज बादल छाए हुए हैं आकाश में और ऐसा लग रहा है कि आज पानी ज़रूर गिरेगा, ज़बरदस्त बारिश होगी। तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, अभी जैसे ही बारिश होती है तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि कितनी बारिश हुई है, ज़्यादा हुई है, कम हुई है, जो भी हुआ है मैं आपको भी दिखाती हूँ थोड़ी देर से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बहुत घने काले बादल छाए हुए हैं और ये देखिए बहुत बारिश हुई है आज हमारे यहाँ जगदलपुर में, बहुत बारिश हुई है। देखिए अभी भी घने काले बादल हैं और ज़बरदस्त गरज और चमक के साथ खूब बारिश हुई है। ये देखिए सब तरफ हरियाली हरियाली दिख रही है, बारिश हुई है तो सभी पेड़ पौधों में जो मिट्टी जमी हुई थी वो पूरी उतर गई है और पानी से धुल गई है, उतर गई मतलब पानी से धुल गई है और बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। ये देखिए चारों ओर और बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, रुकी नहीं है। ये देखिए पानी टपक रहा है और अभी भी बारिश हो रही है और बहुत ही सुहावना मौसम हो गया है। एक हफ्ते से बहुत ही ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही थी जगदलपुर में, तो अब जो है अभी भी बिजली चमक रही है और बादल गरज रहे हैं। बहुत मज़ा आया, लेकिन मौसम ठंडा हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडक हो गई है इसलिए पसीने से परेशान। दोपहर में इतनी कड़कती धूप हो गई थी कि बाहर निकलने नहीं होता था और अब आज जो है 2 बजे से पूरे घने बादल छा गए और उसके बाद ज़बरदस्त बारिश हुई है, एकदम मौसम ठंडा और सुहावना हो गया है। ऐसा लग रहा है ऐसे सुहावने मौसम में बाहर घूम के आ जाओ, लेकिन अभी बारिश हो रही है। यदि बारिश रुकती है तो मैं ज़रूर घूमने जाऊँगी, शाम को एक राउंड घूम के आऊँगी मार्केट का अपने हस्बैंड के साथ। बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा और उसके साथ सुहावना मौसम और हरियाली आँखों को सुकून देने वाली, वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। नहीं तो एक सप्ताह से कड़कती धूप, बाहर निकल नहीं सकते थे तो ऐसा लग रहा था कि अब तो नौतपा पूरा इसी तरह से जाएगा, क्योंकि आगे 25 तारीख से नौतपा भी लगने वाला है। आज वैसे बरगद पूजा भी थी बारिश की वजह से, मैं आपको अब बरगद पूजा का भी मैंने सोचा था ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन आज बारिश हो गई इस वजह से मैं नहीं बना पाई, जा ही नहीं पाई। देखिए बारिश हो रही है अभी भी चारों ओर, देखिए बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो बाहर घूम रही हूँ, थोड़ा भीग भी गई हूँ, लेकिन देखिए आम का पेड़ अपनी टहनियों को हिला रहा है और आम लटके हुए हैं। देखिए ये देखिए, ये देखिए आम, खूबसूरत प्यारे प्यारे ग्रीन ग्रीन आम दिख रहे हैं। देखो मैं मेरे घर में जो मोंगरा लगा हुआ है, ये देखिए मोंगरा लगा हुआ, ये देखो मेरे हस्बैंड वो सदा सुहागन के फूल को छू रहे हैं, देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं ना। देखिए ये रानी कलर वाले देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, ये वाले हाँ, ये देखिए रानी कलर वाले फूल दिखा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। और ये मोंगरा है, मौसम बढ़िया चेंज हो गया है, इतनी भारी गर्मी पड़ रही थी, ठंडा हो गया मौसम, मज़ा आ गया ना, ठंडा हो गया था। ये देखिए ये मोंगरे हैं और ये भी मोंगरे खिले हुए हैं। मैं एक भी मोंगरे का फूल नहीं तोड़ती, मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं,
मैं इन्हें ऐसे ही रहने देती हूँ। बालों में लगाने का गजरा बहुत शौक है, पर गजरा लगाना होता है तो मैं बाजार से मंगा लेती हूँ, पर अपने घर के फूल नहीं तोड़ती हूँ। मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, फूलों से मुझे बहुत प्यार है। कितना अच्छा लग रहा है ना, ठंडा ठंडा। बारिश तो रुक गई है, अब मैं चक्कर घूमने निकली बाहर और बारिश तो रुक गई है, लेकिन देखिए काले घने बादल लगी हुई हैं। और अब वैसे बारिश नहीं होगी, मौसम खुल जाएगा, क्योंकि गर्मी में बरसात इतनी ही होती है। थोड़ी देर हुई, आधा घंटा हुई और रुक गई, थोड़ा राहत गर्मी से मुझे सभी को मतलब राहत मिल गई है। और सब लोग अपने अपने फिर रूटीन के कामों में लग गए हैं। थोड़ा घूम के एक राउंड घूमूंगी मैं, उसके बाद घर वापस चली जाऊँगी। और अब मैं मार्केट घूमी हूँ और अब वापस घर जा रही हूँ, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और बस आवाज़ के लिए इतना ही, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।